friends, welcome back to Pragmatic Lopa. सोच रहे हैं आप कैसे एक सुंदर और एलिगेंट लुक दे अपने काउच को या अपने घर को कैसे रीडेकोरेट करें जो हर ओकेशन पे सूट करे, वो भी सबसे सस्ते और आसान तरीके से, तो आप सही जगह पे हैं। तो चलिए देखें आज के DIY में देखेंगे आप फैब्रिक यूज करके कैसे आसानी से बिना कोई स्टिच के पिलोज या कुशन्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं, एक कुशन मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी। आप खुद ही देखेंगे दोनों ही तरीके से बनाना कितना आसान होगा। जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ फैब्रिक और इंसर्ट पिलो या पिलो फिलर्स, हॉट ग्लू गन या सुई और धागा। बेसिकली दो टाइप के पिलोज दिखाऊंगी, एक स्टैंडर्ड थ्रो पिलो, दूसरा एनवलप या शैम पिलो, जिसके पीछे एक ओपनिंग होता है जिसके वजह से कवर डालने और निकालने में आसानी होगी और जो मैं प्रिफर करती हूँ। कुशन्स और पिलोज काफी शेप्स और साइजेस में आते हैं जो स्टोर से खरीदने पर कभी कभार काफी महंगा होता है। इस तरह आपके पसंद के फैब्रिक पे डिपेंड करते हुए ये काफी सस्ता हो सकता है। ये आपको किसी भी फैब्रिक यानी कपड़े के दुकान पे मिल जाएगा, सेल के टाइम पे ये आपको और भी अच्छे डील पे मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कुशन्स बनाने के लिए आप पे डिपेंड करता है, आइदर आप पुराने कुशन्स को रीयूज करें एक बेटर लुक के लिए, या उनके फोम फिलर्स इस्तेमाल करें, या सीधे नए इंसर्ट पिलोज या फोम फिलर्स खरीदें, और कुछ बेसिक्स जैसे मेजरिंग टेप, हॉट ग्लू गन और सीजर्स। पहले के लिए मैंने कवर को हटा दिया ताकि इस रिक्टेड कुशन को इंसर्ट पिलो की तरह यूज कर सकूं, और ये अमेजिंगली सॉफ्ट फैब्रिक भी खरीदा। पिलो को मेजर करें, जैसे ये 18x18 इंचेस है, इसीलिए उसमें एक और इंच ऐड करके यानी 19x19 इंचेस फैब्रिक पे मार्क किया ताकि इतना एक्स्ट्रा ग्लू करने में यूज होगा। पहले फैब्रिक को सीधा कर लें, मार्किंग पे कैंची से काट दें। अभी आपके पास फैब्रिक के दो स्क्वायर पीसेस होंगे, फ्रंट और बैक। फैब्रिक के सीधे साइड्स को साथ में रखें और उल्टे साइड्स को ऊपर और नीचे की तरफ। अब तीनों बॉर्डर पे ध्यान से ग्लू लगाएं और चौथे साइड को खुला ही रखें इंसर्ट पिलो के लिए। अब इस कवर के सीधे साइड को बाहर की तरफ कर दें। याद से कॉर्नर को उंगलियों से या किसी और पॉइंटेड चीज से बाहर करें, इंसर्ट पिलो डालें। अब चौथे साइड को भी सील कर दें। फैब्रिक को लगभग आधा इंच अंदर फोल्ड करके हॉट ग्लू गन से बंद कर दें और आपका कुशन तैयार है। दूसरे के लिए मैंने ये काफ़ी सस्ते में थ्रिफ्टेड कुशन्स लिए, और ये ग्रीन कॉटन फैब्रिक। एक डिफरेंट लुक के लिए ये वाइट ट्रांसी फैब्रिक भी लिया। ये कॉटन है, इसीलिए शुरू करने से पहले आयरन ज़रूर करें। यूज़ करने वाले पोर्शन से सारे सिलवटें हटा दें। इन कुशन्स के साइज़ है 15x15 इंचेस, और बाकी का सारा प्रोसेस पहले की तरह सेम है। कॉर्नर्स बाहर करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने बैम्बू स्क्यूअर का यूज किया है, नीट और शार्प कॉर्नर के लिए। कुशन रेडी होने पर आप इसे ऐसे ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ एक वेरिएशन ऐड करूँगी एक और लेयर देके। इस फैब्रिक के एक एंड पे फ्रिल्स है जिसे इंक्लूड करना चाहती थी, इसीलिए विड्थ सेम ही रखा, पिलो प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ग्लूइंग के लिए, दैट इज 16 इंचेस, पर लेंथ फ्रिल्स तक एक्सटेंड किया। तीनों साइड क्लोज करने पर कुशन इंसर्ट करें और क्रिएटिव बनिए अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। और ये सिंपल रेक्टेंगुलर कुशन्स हैं जिनको मैंने ग्रीन के तरह ही बनाया। खाली डिफरेंस है कि यहाँ कोई वेरिएशन नहीं ऐड किया। आपको सिर्फ एक इंसर्ट पिलो और अपनी चॉइस का फैब्रिक चाहिए। अब जब आपने देख लिया है बेसिक थ्रो पिलो कैसे बनता है, चलिए एक पिलो शैम या एनवेलप पिलो कवर बनाएं। ये बेसिक जितना ही आसान है, मैं इसे ही प्रिफर करती हूँ क्योंकि आप जब भी इसे बोर हो जाएं, आसानी से चेंज कर सकते हैं या वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालें। कवर को कन्वीनियंटली डाल और निकाल सकते हैं।
इसके लिए ये अल्ट्रा बेबी सॉफ्ट मटेरियल खरीदा। पिलो का फ्रंट पीस पहले की तरह सेम ही है, यानी पिलो के साइज में एक और इंच ऐड करें और इस केस में 19+1 यानी 20x20 inches। पर पिलो के बैक पीस के लिए हम फैब्रिक के दो पीसेस यूज करेंगे, क्यों वो थोड़ा एक दूसरे पे ओवरलैप होने वाले हैं। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करें। यहाँ पिलो के ओरिजिनल लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करें। अब हर एक पीस में 2 inch जोड़ लें, 1 inch ग्लूइंग के लिए और 1 inch ओवरलैपिंग के लिए, यानी टोटल लेंथ 4 inch बढ़ जाएगा। अब बैक फैब्रिक को दोनों पीसेस के करेक्ट साइड नीचे की तरफ रखें। ध्यान से मेजरमेंट हर जगह सेम ही हो। अब इन लंबे पिंस की मदद से दोनों पीसेस को पिन कर दें। पिन करने से पहले ध्यान रखें बॉर्डर्स लाइन में हों। अब सारे बॉर्डर्स को हॉट ग्लू से चिपका दें। सारे पिंस निकाल दें। करेक्ट साइड बाहर करने से पहले कॉर्नर्स को कैंची से डायगोनली ट्रिम कर दें, ताकि कॉर्नर्स बिना बल्कि हुए नीट और अच्छा रहे। ये स्टेप हर टाइप के कुशंस पर करें। अब करेक्ट साइड बाहर करें और कॉर्नर्स को भी पहले की तरह बाहर ही रखें। पिलो इंसर्ट करें और आपका एनवलप पिलो यूज के लिए तैयार है। ये अमेजिंग फर पिलो बहुत सारे कलर्स में आता है, पर मैंने वाइट पिक किया दूसरे पिलो से मैच करने के लिए। और ये थ्रिफ्टेड पिलो जो 19x19 inches है, आप डायरेक्टली इसी पिलो को बनने वाले कवर में इंसर्ट करें या इसके अंदर के फोम फिलर्स को यूज करें। नए पिलो फिलर्स लूज रहते हैं, पर ये पुराना होने की वजह से टाइटली पैक्ड है, इसीलिए पिलो में यूज करने से पहले उसे इस तरह लूज कर दें। यहाँ देख सकते हैं सेल्स वुमेन ने सिर्फ बैक के बजाय पूरे अंदर तक काट दिया है, जिससे सारा फर छोटा हो गया। फर हैंडल करते वक्त कुछ ट्रिक्स फॉलो करें, वरना फैब्रिक में बॉल स्पॉट्स होंगे। इसे काटते वक्त आप देखें किस तरह से काटना चाहिए। इस तरह सीधे अंदर तक सारा फर इंक्लूड करते हुए ना काटें, सिर्फ बैक का ये थिक पार्ट काटें। इस तरह सारा फर छोटा ना होके इंटैक्ट रहेगा। अगर इंसर्ट पिलो यूज कर रहे हैं तो फैब्रिक को उसे आधा इंच ज़्यादा मेजर करें, पेंसिल से मार्क करें और कैंची से मार्किंग पे काट दें। अब आपके पास 2 square pieces होंगे। इसी सेम पिलो में दोनों ही दिखाऊंगी, सिर्फ हॉट ग्लू गन से और सुई और धागे से हाथ से सिलाई करके। पहले सारा फर अंदर करें, बॉर्डर्स अलाइन करें, दोनों फर के साइज एक दूसरे के तरफ हो, पिन कर दें ताकि काम करने में आसानी हो। पहले ग्लू गन से करना दिखाऊंगी। एक पिन हटाएं, ध्यान रखें अभी भी फर अंदर ही हो। बॉर्डर पे डायरेक्टली ग्लू लगाएं, साइड में बिना कोई गैप रखें। इसीलिए पहले पिलोज के मुकाबले जहां 1 inch ऐड करते थे, यहां सिर्फ 1/2 inch एक्स्ट्रा लिया है। अच्छे से ग्लू लगाएं, इसी तरह चारों साइड्स पे ग्लू लगाएं, सिवाय एक साइड में 6-8 inches का गैप छोड़ के, इनकेस आप पिलो फिलर्स यूज कर रहे हों। और अगर इंसर्ट पिलो यूज कर रहे हों, तीनों साइड्स ग्लू करें, एक साइड छोड़ के पिलो इंसर्ट करने के लिए। ग्लू करने पर करेक्ट साइड बाहर करें, पिलो इंसर्ट करें और इसी तरह इस साइड को भी ग्लू गन से सील कर दें, या सुई धागे से जो स्टडी और आसान भी है, पहले की तरह सारा फर अंदर करके पिन कर दें। पहले सिंपली नीडल को फैब्रिक में पुश करें, अब फिर से सुई को फैब्रिक में पुश करें और इस धागे से जो गैप बन रहा है उसके अंदर से लेते हुए बाहर कर दें। इसी स्टिच को रिपीट करते रहें, जिसे बटन होल स्टिच कहते हैं। चारों साइड स्टिच करें, बस एक साइड में 6-8 inches का गैप छोड़ें जब पिलो फिलर्स यूज कर रहे हों। सोचे ये फैब्रिक के 2 borders हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फैब्रिक का सेम स्टिच इस ब्लैक पेपर में दिखा रही हूँ। होप कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये ज़्यादा क्लियर होगा। एंड में एक नॉट बनाएं, जो हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। मैं इस थ्रेड को 3-4 बार
नीडल के टिप पर रैप करके नीडल को ऊपर की तरफ पुल करें। अब फिर से नीडल को फैब्रिक में पुश करें और इस धागे से बने गैप में पास करने पर कैंची से काट दें। सही साइड बाहर की तरफ करें, अच्छे से कॉर्नर्स को भी बाहर करें और गैप से पिलो फिलर से भरना शुरू करें। कॉर्नर्स को अच्छे से भरें एक कंप्लीट फुलर लुक के लिए। अब उस गैप को क्लोज करने के लिए सारा फर बाहर की तरफ करें। फैब्रिक के एक साइड से नीडल को अंदर से बाहर लें, फिर दूसरे फैब्रिक से होते हुए बाहर से अंदर लाएं और एंड तक ऐसे ही रिपीट करते रहें। इस प्रोसेस के दौरान फर को डीटैंगल करते रहें। एंड में पहले दिखाए हुए एंडिंग नॉट से सिक्योर कर दें और आपका बेबी सॉफ्ट फर पिलो तैयार है। इसके लिए मैंने ये 15x12 इंचेस का रेक्टेंगुलर थ्रिफ्टेड पिलो लिया और अपना एक स्कार्फ जो कुछ साल पहले बनाया था। आप घर पे जो भी अवेलेबल है जैसे पुराने टी शर्ट्स या स्वेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई और वीडियो में दिखाऊंगी इसे कैसे बनाया था। अभी के लिए इसी स्कार्फ से पिलो को रैप करूंगी। ध्यान से इस तरह से रैप करें कि स्टिचेस साइड पे कर सकें, ऊपर और नीचे फैब्रिक के लेंथ बराबर हों। मैं इस स्कार्फ पे हॉट ग्लू गन यूज़ करके ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए इसे मैं सुई धागे से हैंड स्टिच करूंगी। अब इसे चौड़ाई में इसी तरह ऊपर नीचे जाते हुए स्टिच करें जैसे यहाँ मैं दिखा रही हूँ और लंबाई में भी इसी रनिंग स्टिच से बंद कर दें। पहले दिखाए गए नॉट के तरह एंड में एक एंडिंग नॉट से सिक्योर कर दें। सब हो जाने पर आपका अपना मन चाहा कुशन तैयार है। अब जब आपको पता ही है क्या करना है, जो कुछ भी आपके आसपास अवेलेबल है उसे यूज करके क्रिएटिव बनिए। आई होप आप जल्दी से इनमें से कुछ रिक्रिएट करेंगे और उनमें मुझे याद से टैग जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे एक बहुत बड़ा सा थम्स अप जरूर देना। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे क्रिएटिविटी के लिए, और अपने व्यूज कमेंट करके बताएं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।